नमस्कार देवी सज्जनों, तो चलो स्वागत है आप सभी का मार्ग कदम रखा की एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। वीडियो के इंट्रो में तो तुमने देख लिया होगा कि किस टाइप की लॉबी आई है और वो सामने ही हमारे ठीक फाइट कर रहे थे। तो भाई मेरे पास थी AWM, मैं उनको शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, किल थोड़ी बहुत लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई कोई किल मैं ले ही नहीं पाता हूँ। और भाई साहब दो टीमें आपस में भिड़ रही हैं, कोई AKM चला रहा है, कोई बैरल चला रहा है, कोई M4 चला रहा है, तो कोई AWM। इस हरी गाड़ी को तो सफेद गाड़ी बना दिया इन्होंने लस्सनों ने। और देखो यहाँ पर कैसे पहाड़ी पे लेटे पड़े हैं सांप। इस सांप को उठाते हैं, एक सांप उठ गया, इसको फिनिश भी करते हैं। कहाँ पर गया ये? अबे फिनिश नहीं हुआ, बच गया। लगता है शायद मेरी AWM खराब हो गई है, जाली चली नहीं रही है। अगर इस बंदी की जगह पर मैं होता ना तो मेरी एक ही गोली में पेटी बन जाती। यही तो BJY वालों की मेहरबानी है। ओए आ जाओ दोनों, चलो रश करने चलते हैं। गाइस हमारे साथ नंबर 2 नंबर 3 है, हम जाते हैं रश करने के लिए। और सामने वाली टीम तुम देख ही सकते हो कितने पैसों वाली टीम है। किसी की स्किल्स अपग्रेड है तो हमारी स्किल्स अपग्रेड है। उन वो लैम्बोर्गिनी चला रहे हैं तो हम डासिया चला रहे हैं। कोई डरते थोड़ी है हम किसी से, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगता है, इसलिए थोड़ी दूर रोकी हमने गाड़ी। अरे गाड़ी लेके भाग रहा है, रोको सालों को, यहीं पर रोको। और नंबर 2 तू कवर में जाके बैठ जा। इस लेसन से मैंने कवर में जाने की गई थी और ये यहीं पर सांप बन गया। बहुत ही अच्छा कवर दिया इसने, अब मुझे भी कोई कवर ढूंढना पड़ेगा। अरे मिल गया कवर, चलो बेटे उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ मेरी गाड़ी में से, ये गाड़ी हमारी है। कहाँ पर लेके जा रहे हो? ओ ड्राइवर रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? तुझे भी मजा चुका हूँ। और ये तीसरा कहाँ से बातें लग रहा है? वेसरम कड़ी का है, कौन सा तीसरा पीछे से मार रहा था? अभी सामने वाले को देखते हैं, हम भी नागिन बन चुके हैं और हमारे बंदे भी घोड़ी बन चुके हैं। मैं अकेला बचाऊँ? गाइस क्या लगता है कि मैं इनको बचा पाऊंगा? अबे हट जा नंबर 3, ये ले भाई। नंबर 3 की पेटी में से तो इसने धुआं निकाल दिया, लेकिन इस लस्सर को देखो, ये हमारे टीममेट की पेटी बना रहा था साला फिनिश करके। अब इसकी पेटी बचाने से कौन रोकेगा इसे? खैर गाइस बहुत मजे आए इन्हें अपग्रेड स्किन्स वाले बंदों को लपेट कर। और नंबर 2 को पहले मैं रिवाइव देता हूँ। अभी इनके 2 बंदे और बचे हैं, जो एक सामने से रश करता है, एक गाड़ी से रश करके रश कर देता है। पता नहीं क्या करना चाहते थे ये लोग, लेकिन ये सोच रहे थे कि हम हैं और बाकी सब पानी का। मैं ये देखो फटी हुई गाड़ी लेके आकर हमारे ऊपर रश किया था, लेकिन मैंने इसको देख लिया। ये सोच रहा था कि मैंने इसको देखा नहीं है, इसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब मैं इसको अनदेखा कर दूंगा। तो मैं यहां पर हेल्थ लगा रहा होता हूं, तभी नंबर 2 के ऊपर कोई आक्रमण कर देता है। कोई क्या मेरे सामने से उसको गोली पड़ती है और उसके सामने से भी उसको गोली पड़ती है। तो पहले मैं इसको गोली बना देता हूं। अब दूसरे वाले की बारी है जो नंबर 2 को फिनिश कर रहा था, और ये देखो गाड़ी के पीछे बैठ के उसको फिनिश कर दिया। अब ये M4 वाला था, इसने तो मेरी टीममेट की पेटी का पिटारा बना दिया, लेकिन मैं इसकी तो बिल्कुल सादा पेटी बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर एक बम डालूंगा। मेरा बम कितना कम है? अबे लस्सन हमारे ऊपर फायर करता है, मुझे लगा पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं दूसरा वाला बम फेंकूंगा, उससे तो पटेगा। इससे भी नहीं पटा तो मैं गाड़ी को ही फाड़ दूंगा। चलो बेटे बहुत परेशान कर लिया M4 ग्लेशियर फूल वाले, जो भी है तू निकल यहाँ से। साले आए थे बड़े हमसे पंगा लेने, यही मनंगा कर दिया हमने। खैर गाइस जैसा कि तुम देख पा रहे हो, अभी 2 बंदे बचे हुए हैं और हमारे 10 फिनिश हो चुके हैं। तो में से एक बंदा यहाँ पर सामने से फायर कर रहा था, तो मैं यहाँ पर गाड़ी को रोक लेता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में से धुआं निकल रहा था, वरना वो मेरी पेटी में से धुआं निकाल देता। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को रोका और चुपचाप यहाँ पर आकर लेट गया। लेकिन यार थोड़ी देर बाद मैंने सोचा क्या ही फायदा यहाँ पर सांप बनने का, उसका मैं वेट करूँ तो मैं चारों ओर स्मोक फैला देता हूँ, सिगरेट चला देता हूँ, बीड़ी चला देता हूँ और उसके ऊपर रश कर देता हूँ बिना ब्रश किए। और वो भी पूरा तैयार बैठा था मेरे ऊपर फायर करने के लिए। मेरी गाड़ी में से धुआं तो निकल ही रहा था, मैंने सोचा इसको कुचल दूं, लेकिन नहीं, मैंने अपना गर्जन निकाल के उसका पुर्जा ढीला कर दिया। खैर गाइस एक बंदा बचा है और पता नहीं कहां पर है, और उसको ढूंढने के लिए हमें गाड़ी की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं नागिन बन के जाऊंगा तो वो मुझे कहीं पर डस जाएगा अगर वो भी नागिन बना हुआ तो। और मैंने अक्सर देखा है कि मेरी ही पेटी बनती है जब मैं नाग बनता हूँ। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर कितना सारा सिगरेट चलाई है किसी ने, धुआं कर दिया पूरा, प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं ये बंदे, कितने गंदे हैं ये। अब इस गंदे बच्चे को सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर है वो, लेकिन यहाँ से मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो वो मेरे पर जो है बम की बारिश कर देता है और मेरी गाड़ी में से धुआं निकाल देता है, और मैं अब गाड़ी भी चला नहीं सकता हूँ। 4-5 बम डाल के उसने मेरी गाड़ी को सफेद कर दिया, पीली गाड़ी को। इस चीज का बदला तो मैं जरूर दूंगा, बराबर दूंगा। मेरी गाड़ी का कर्जा तो इसे चुकाना पड़ेगा। जिस गाड़ी के पीछे मैं इतनी देर से खड़ा हुआ था, तो वहां पर मुझे अपनी पेटी बनने का आभास होने लग गया। तो मैंने कहा यार पीछे की ओर चलते हैं, और ये बंदा यहां से निकलता है, देखना अभी इसको AWM का मजा चिखाते हैं। कहां पर जा रहे हो भाई साहब? ये क्या गलती से हेडशॉट? सो गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया वो अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना।